नकली बिजली वाले भैया ही है। तो गाइस देख रहे हो बंदे की रही सी, देखो एक एरी और एक एरी। अभी तो वैष्णो देवी में बर्फ नहीं गिरी वैसे बोल रखा है 14-15 तारीख तक गिरे। तो गाइस देखो हमारे बिजली वाले भैया ने लाइट भगा रखी है यहाँ पे। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब व्लॉग। तो स्वागत है आपका मेरे नए व्लॉग के साथ में। तो गाइस सभी को जय श्री राम और जय माता दी। तो गाइस चाय पी लो। तो चाय चल रही है हमारी, 11 बज रहे हैं और मैं 10 बजे उठी थी, आज लेट हो गई। पता नहीं क्या होता जा रहा है, लेट उठती जा रही हूँ। तो आज तो मैं ना गोरी लग रही हूँ, पता नहीं कैमरे में मुँह भी नहीं धोया मैंने अभी तक, पता नहीं क्यों। बस मैंने ब्रश ब्रश कर कर आके मैंने चाय पी लूँ फटाफट से, क्योंकि चाय बहुत अच्छी लगती है सुबह सुबह, नींद से खुल जाती है। तो गाइज अभी चाय वाय पी लूँ, उसके बाद में ना अभी देखते हैं मम्मी। मैंने तो पापा का खाना बना के दे दिया क्योंकि पापा जा रहे थे ड्यूटी, तो खाना वाना बना के दे दिया। तो ना मम्मी कह रही थी कि आज कत्तर मार्केट चलेंगे, तो हमारे यहाँ पे जो कत्तर मार्केट है ना गाइज देखती हूँ आज मैं वहाँ चलूँगी। मैं और मम्मी की फ्रेंड है वो जाएंगी, तो हम तीनों जाएंगे ठीक है। देखते हुआ कि आप लोगों को भी दिखा दूँ कत्तर मार्केट में क्या क्या है। तो गाइज देखो हमने बिजली वाले भैया बुला रखे आज अपने घर में। भाई तुम्हें इतना एक्सपीरियंस कैसे है, बिजली का काम भी कर लेते हो और वो लैंप भी ठीक कर लिए और मशीन वशीन भी ठीक कर लेते हो और कंप्यूटर भी खोल के ठीक कर लिए, अब बताओ इतना एक्सपीरियंस कहाँ से आया तुम्हें? ऑलराउंडर बन चुके हैं। सब काम कर लेते हैं हमारे भैया। ये बटन चेंज करूंगा, एक ये बटन चेंज करूंगा, बस अब यही दो कर रहा हूँ। इतना काम करने के बाद भी फिर भी गाली खानी पड़ती है कि करता क्या है बताओ, इतनी सारी चीजें कर देते हैं हमारे भाई घर में रह के, बाहर से बुलाना भी नहीं पड़ता किसी को। बाकी अभी ऊपर का फिर लैंप चेंज कर, वो लैंप के भी होल्डर चेंज करूंगा अभी, दो लैंप। हाँ वो दो लैंप के करे थे ना, अभी दो लैंप के और बाकी है। अभी जीने में जो है वो वाला होल्डर नया लगाऊंगा और बाकी फिटिंग वगैरह देखूं जो अगर खराब होगी उस फिटिंग को चेंज करूंगा। भाई देख लो हमारे भाई कितना काम करते हैं, मैं तो छू भी नहीं सकती, मुझे डर लगता है। तो अभी यहाँ पे लाइट वाइट बंद करेंगे अभी भाई, तो मिलते हैं अभी आप लोगों को। तो गाइज मैं नहा धो कर आ गई हूँ और यहाँ पे ये देख लो चाय, आज मैंने अपने कप में नहीं ली चाय क्योंकि ना मैंने अभी ना उसको मारने के लिए रख रखा है, चाय पी थी ना अभी तो इसलिए मैंने रख दिया उसको, मैंने चलो आज गिलास में पीती है क्योंकि ना कप में ना जल्दी ठंडी हो जाती है और फिर मेरे को ना नमक पारे खाने थे इसके साथ में, तो वो जल्दी ठंडी हो जाती है फिर इसलिए खा भी नहीं पाती। तो मैंने चलो गिलास में लेते हैं और थोड़ा हाथ भी गर्म कर लेंगे, बहुत ठंडे हो रहे हाथ, नहा कर आई हूँ ना इसलिए। तो अभी फ़िलहाल के लिए ना मम्मी गई है नहाने, उसके बाद में आएंगी मम्मी, तो फटाफट से निकलते हैं क्योंकि हमें 12 बजे का टाइम दिया था और 12:30 बज गए, तो फटाफट से निकलते हैं। मैं भी अभी बाल बाल थोड़े बहाऊँगी और इसके ऊपर पहनूंगी जैकेट क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है बाहर, आज तो धूप भी नहीं निकल रही। तो अभी निकलते हैं फटाफट से, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। गाइस हम लोग रेडी हो चुके हैं, मम्मी भी जा रही है मेरे साथ, मम्मी आज मेरे को शॉपिंग करेंगी, बहुत सारे कपड़े दिलाएंगी मुझे आज ठंड के, क्योंकि मुझे कहीं जाना है 21 तारीख को, तो इसलिए मेरे को आज मम्मी शॉपिंग कराएंगी ठीक है। मम्मी कराओगे ना शॉपिंग? देखो हसरी मेरे को शॉपिंग कराएगी, मैं तो पसंद कर लूंगी, पैसे तो नहीं देने हैं। तो गाइस चलो चलते हैं, बाकी आपको रास्ते में दिखाएंगे ठीक है। Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. तो भाई हम लोग ना घर पर आ गए और हमारे ना ये बिजली वाले भैया ने ना लाइट भगा रखी है घर की, तो आगे भी अंधेरा अंधेरा हो रहा पूरे घर में। तो गाइस देखो हमारे बिजली वाले भैया ने लाइट भगा रखी है यहाँ पे। और भैया ने ना दो बटन चेंज करने थे लेकिन ना भैया ने सारे बटन कर दिए, हम जब तक आए हैं जब मैंने देखा आके तो भैया बता रहे मैंने सारे बटन चेंज कर दिए तुम्हारे घर के, देखो कितना अच्छा काम करते हमारे भाई। भाई कैसा लगा बटन सही करके? अब तो नॉर्मली हो गया मेरे लिए। हाँ सही बात है, भैया खुद से ही कर देते हैं सारी चीज़ें, दिखाओ ये देखो। किसी को भी अगर बटन वटन ठीक कराना ना घर के तो भैया से कांटेक्ट कर लेना ठीक है। तो गाइज मैं आ गई थी घर और ना जो मम्मी की फ्रेंड है ना आंटी है एक, तो वो गई नहीं थी क्योंकि वो कह रही थी कि मैं बाद में चलूँगी, तो वो गई नहीं थी। और गाइज पता नहीं मुझे तो ये समझ नहीं आता कत्तर मार्केट में जाके ना लोग व्लॉग शूट कैसे कर लेते हैं, मेरे को तो शर्म आती है बहुत ज़्यादा वाली। तो बाकी ना मैंने ना आते ही ना खाना बना लिया और चाय बना ली, ये देखो भिंडी है और रोटी है दो और चाय है, तो फटाफट से मैं चाय और ये भिंडी विंडी खा लेती हूँ फटाफट से, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, सुबह से कुछ खाया नहीं है। तो गाइस देख रहे हो बंदे की रही सी, देखो एक एरी और एक एरी। बहुत तेज पिक्चर है, बहुत तेज गर्म हो रखी है, सही है गाइस ये बेचारा सो जाता आराम से।
देखो ये भी खत्म हो रहा है नोनू। तो गाइज हम लोग आ गए हैं छत पर और भैया ने यहाँ वाला भी जो बल्ब लगा रहे हैं उसका ना वो खराब हो रहा था होल्डर, तो वो ठीक कर रहे हैं यहाँ पर। और अभी ये जा इधर वाला लैंप है ना, ये वाला लैंप है, तो ये वाला लैंप और एक इधर वाला लैंप ना खराब हो रहा है, तो अभी इसको भी सही करेंगे। तो मैं तो चाय ले आई थी, मैंने चाय पीऊँगी ऊपर जाकर। और यहाँ ना बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, पता नहीं क्या होता जा रहा है, धूप ही नहीं निकल रही और पहाड़ों में एक बर्फ़ नहीं गिर रही। यहाँ इतनी ठंड पड़ रही है लेकिन पहाड़ों में तो बर्फ़ ही नहीं गिर रही, पता नहीं क्यों नहीं गिर रही, समझ ही नहीं आता कुछ। यहाँ पर कोई कबूतर भगा रहा होगा तो उसकी आवाज़ आ रही है, पीछे चिल्ला रहे हैं। तो गाइस यहाँ पे तो दिल्ली में इतनी ठंड हो रही है और पता नहीं बाहर क्यों नहीं गिर रही बर्फ़, समझ ही नहीं आ रहा। अभी तो वैष्णो देवी में बर्फ़ नहीं गिरी, वैसे बोल रखा है 14-15 तारीख तक गिरे, क्या पता उसके बाद में देखते हैं कब गिरेगी कब नहीं। गाइस देखो मुझे तो ठंड लगने लग गई थी, मैं ये लेकर आ गई थी, कान पे ना बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, बहुत ज़्यादा हवा आ रही है एक तो, और ऊपर की साइड तो और हवा आ रही होगी पता नहीं क्या है, और यहाँ इतनी ठंड हो रही है। और हमारे भाई काम कर रहे हैं, देखो ये बिजली का काम कर रहे हैं, ये पूरा पूरा काम आने लग गया इनको बिजली का, पूरा पूरा टोटल ए टू जेड ना काम कर लेते हैं हमारे भाई, बिजली का सारा काम कर लेते हैं। सही है भैया, आना भी चाहिए है ना, जैसे अगर हमें कभी कार प्लम्बर या बिजली वाले भैया या कोई मतलब ना मिले हमें कोई चीज़ ठीक कराने के लिए, तो हमें हमें घर में भी आनी चाहिए चीज़ें। हमें मेरे को तो नहीं आती लेकिन मेरे भाई को आती है, तो हमें थोड़ी इस चीज़ से हेल्प मिल जाती है, हमें ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता किसी का। मोटर वगैरह भी ख़राब हो जाते हैं तो भाई खुद से ठीक कर लेते हैं। सही है, ये चीज़ भी आनी चाहिए। तो गाइस देखो हमारे भैया ये लैंप बना रहे हैं अब, क्योंकि ये शीशे वीशे साफ करें, अब ये जोड़ेंगे इसको पूरा। ये होल्डर निकाला है, खराब हो रहा था ये अंदर से ना। अच्छा ये खराब हो रही थी। हाँ तो भैया ने ना नया होल्डर लगाया इसमें, अब ये शीशे लगाएंगे भैया एक एक करके। सही है। तो गाइस मेरे भाई ने मुझे काम दे दिया, ये देखो इतने बड़े बड़े काम ये मुझे दे देते हैं, और छोटे छोटे काम होते हैं ना वो खुद कर लेते हैं, समझ सकते हो। ये शीशे साफ करने के लिए दे दिया, लैंप के शीशे साफ करो, ये इतने बड़े बड़े काम ना होते नहीं है, ऐसे डर और लग रहा है इन्हें साफ करते हुए। पली जला और ये वाला लैंप भी जला। नकली बिजली वाले भैया है ये। कभी-कभी हो जाते गलतियां, ऐसे थोड़ी है मेरा खानदानी बिजनेस भाई, ये वाला लैंप नहीं जल रहा। चलो देखते हैं अभी ठीक करो, इतनी देर से लगे पड़े हैं भाई इसमें करने में, ठीक है क्या पता बल्ब की गलती हो। भाई क्या बताया ना भैया, बल्ब की गलती हो सकती है ना, नया बल्ब है क्या पता ना जल रहा। हाँ क्या बात है, क्या बात है। तो अभी देखते हैं गाइस ये वाला ठीक नहीं हुआ, मैं सोच रही थी बहुत देर से बेइज्जती मारूंगा ठीक नहीं हुआ। अरे भाई रहने दो तुम, मैं करके दूंगा। ये वाला जल रहा है गाइस और ये वाला जल रहा है। तो गाइस मैंने बोला था भाई आएंगे तो भाई ऑर्डर देंगे, और आज भाई ऑर्डर दे रहे खाने का, मजा आएगा बाहर से खाना खाएंगे। आज फिर ही हो, मैं बहुत ठंड लग रही थी क्योंकि अभी अंकल को फोन करा है, अभी उठाएंगे। हेलो अंकल, ऑर्डर लिखना। बोलो जी। हाफ कढ़ाई पनीर। बोलो हमारे भाई रही से। हाफ दाल फ्राई। हाफ दाल। और 6 आलू नान। 6 आलू नान। और बटर नान कितने कराने? 3। 3 बटर नान। 3 बटर नान। 3 बटर नान। और 12 बटर रोटी। फोन कर देना अंकल। घर बैठे बैठे ऑर्डर दे देते हम लोग। तो गाइस अभी ऑर्डर दे दिया, अभी आधे घंटे बाद फ़ोन आ जाएगा, फिर हम जाएंगे लोग लेने खाना वगैरह। मैं जाऊंगी देखते, मैं जाऊंगी या भाई जाएंगे लेने, तभी देखते हैं। वैसे तो ना घर पे आ जाता है, उनके होम डिलीवरी है, पर हम यार दुखी नहीं करते। हाँ दुखी नहीं करते। हाँ तो देखते अभी आधे घंटे बाद फ़ोन आ जाएगा उनका। ये कढ़ाई पनीर, यह है दाल जो कि अभी हमने नीचे भी दे दिया, और ये सलाद है, और ये भिंडी है, और इसमें हमारे आलू नान है और बटर नान है। गाइस ऊपर आग लगाओ, लोग ना आग जला के बैठे रहते हैं, ये देखो गाइस। मैं भी आई हूँ ऊपर दूध लेकर, मैंने चलो यार चाय छोड़ो, चाय का ज़माना गया। नहीं गाइस ऐसा कुछ नहीं है, चाय का ज़माना कैसे जा सकता है यार, हम तो टी लवर हैं, हम कैसे छोड़ सकते हैं। तो मैंने ना सोचा, मैंने यार दूध की 2 थैली रखी हुई थी, मैंने चलो अभी एक उबाल लेते हैं, अभी कल वाली डेट बची थी एक की, तो मैंने एक सुबह उबाल लेंगे। तो फिर हम ऊपर ले आए हैं दूध, पीछे रखा है यहाँ पे दूध, ये रखा, और यहाँ हमारी पार्टी हो रही है। कौन सी पार्टी हो रही है? पार्टी हो रही बहुत भयंकर, नहीं वैसी पार्टी हो रही गाइस बहुत भयंकर। ये हमारे भाई ने नेट निकाला है, पार्टी हो रही बहुत भयंकर। तो गाइस चलो अभी यहाँ पे
धुएं के मजे लेते हैं, आग के तो छोड़ो तुम, धुएं के मजे लो। देखो यार मुझे लग रहा है मेरे साथ बहुत प्यार करते होगी, मेरे को तभी सारा धुआं मेरे पे आ रहा है। मैं यहाँ बैठ के रो ही रहा हूँ। अच्छा भैया के साथ तो फिर और भी करते होगी। तो गाइज हम लोग आ गए थे नीचे, तो अब मैं ब्लॉग का एंड करती हूँ यहीं पर ही। आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो ब्लॉग को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, और बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाकी मिलता है आपको कल नए ब्लॉग के साथ। ओके बाय, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय माता दी। Wake up early mornings, late nights, hopping on a different